Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. लिब्रा क्या नहीं है, एक बैलेंस एबिलिटी, एक बैलेंस करैक्टर, एक बैलेंस सोल, एक बैलेंस माइंड, एक ऐसी ताकत जिसमें सभी सितारों की थोड़ी थोड़ी क्वालिटियां मौजूद हैं। इन क्वालिटियों को सिर्फ ज़रूरत होती है लक और टाइम की, और लक और टाइम 2018 दोनों में लिब्रा को मुयस्सर है। वाह जी वाह। इस लक की वजह से उनका सक्सेस रेशो, रिवॉर्ड लेवल, कामयाबियां, रिस्पेक्ट, फेम या दीगर जो अचीवमेंट्स हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन टाइम बिहेवियर की वजह से उनका ज़्यादातर साल का जो दौरानिया है वो पॉजिटिव होगा, गोल्डन होगा या फसल बहार होगा। इसमें जो सबसे पहला महीना उनके लिए अरूज का है वो मिड ऑफ जनवरी है, 15 तारीख को उनको यूरेनस लगेगा। वो जो उनके लिए थोड़ी सी एक प्रॉब्लम थी कि उन्हें अपॉर्चुनिटी कम मिलती थी, यूरेनस की ये सपोर्ट उन्हें अपॉर्चुनिटी इन्हेंस करके देगी। इस अपॉर्चुनिटी का ताल्लुक ज़्यादातर उनकी शख्सियत से होगा, वो अपनी ज़ात से ही अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर पाएंगे इनफरादियत में। और अपॉर्चुनिटी को कैश करने की वजह से नेम और फेम तो मिलेगा ही मिलेगा, मटेरियल एडवांटेजेस गैर मामूली हद तक इंक्रीज़ कर जाएंगे। दसवें घर के एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, यूरेनस यहाँ से बैठकर दसवें घर में कुछ जिद्दत कर रहा है, कुछ पॉजिटिविटी ला रहा है, कोई तब्दीली ला रहा है। टेंथ हाउस इज़ अ हाउस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, टेंथ हाउस इज़ मटीरियल एडवांटेजेस हाउस, एंड टेंथ हाउस में इंसान की जो मादी शख्सियत है वो बढ़ने लग जाती है। अगली खबर उनको मार्च में मिलेगी, फिर एक महीना गैप आएगा। मार्च में मून उन्हें लगेगा, ये मून चौथे घर में होगा। जो तालिब इल्मी के ज़माने के लिब्राज हैं वो बहुत अरूज पर चले जाएंगे, उस वक़्त उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई पीक पर होगा। उस वक़्त उनके यहाँ बामकसद जो होना होता है, जो ज़हनी तौर पर मिशनफुल होना होता है, वो उनके पीक पर होगा। वो बहुत आसानी से अपनी तदरीसी सरगर्मियाँ परफॉर्म कर सकेंगे, और उस आसानी की वजह से उनका पैशन, उनका जज्बा और बढ़ेगा, जिससे हायर एजुकेशन की बुनियाद रखी जा सकती है। सो तीसरे महीने से तालिब इल्म लिब्राज अरूज पकड़ने जा रहे हैं। फिर वो स्टार दैट इज़ जुपिटर, जिससे गुड लक क्रिएट होती है, जिससे अरूज क्रिएट होता है, वो पांचवें घर में है। उसके जो एडवांटेजेस हैं वो गैर मामूली हैं। अगर मार्च तक हम पहुंच गए थे, मून साइन जो तालिब इल्मी के लिए सपोर्टिव है वो मार्च से अपना गोल्डन ईरा क्रिएट करेगा, गोल्डन मार्च से मार्च करना शुरू करेगा इंशाल्लाह। और जो नेक्स्ट प्लानिंग सेक्टर है वो द स्टार ऑफ गुड लक जो है वो उन्हें उस सेक्टर में सपोर्ट कर रहा है। अगर वो मंसूबे उनके पास होंगे तो उम्मीद ये की जा सकती है कि ये मंसूबे हाईली प्रॉफिटेबल होंगे, हाईली अफेक्टिव होंगे, और इन मंसूबों का दौरानिया इस साल से निकलकर अगले सालों को भी सपोर्ट करेगा। तो अगर लिब्राज इस वक्त इस साल के इब्तदाइया में ही अपने कुछ पावरफुल प्लानिंग, अफेक्टिव प्लानिंग प्रोसीड करें तो उनको अगले कई सालों तक खुशखबरियां मिल सकती हैं। उसमें लव सेक्टर की प्लानिंग भी एक जुज़्व है, उसमें मटेरियल सेक्टर की प्लानिंग भी एक जुज़्व है, और उसमें ट्रैवलिंग की प्लानिंग भी एक जुज़्व है। तो ये तीन सेक्टर ज़्यादा ताकतवर है एज़ कम्पेयर टू अदर जो प्लानिंग्स हैं, जैसे घर की तब्दीली, जैसे जॉब की तब्दीली। ये प्लानिंग भी पॉजिटिव है, लेकिन इन प्लानिंग में उतनी ताकत नहीं है जितनी वो जो तीन पिछली चीज़ें गिनवाई हैं उनमें है। अगली चीज़ जो जायचे में बहुत ताकतवर है वो है सन, सूरज। सूरज की सपोर्ट उन्हें अप्रैल मंथ के आखिर पे मिलना शुरू होगी। सूरज की सपोर्ट से कैप्टन पावर आएगी, फिजिकल एबिलिटीज़ आएंगी, सूरज की सपोर्ट से मटेरियल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सूरज की सपोर्ट से फैसला करने की ताकत आएगी। ये दौरानिया फिर नवंबर तक चलेगा। इस दौरानिया की कामयाबी की वजह से वो अपनी ज़िंदगी में इर्द गिर्द को भी सहूलत दिए जा रहे होंगे। अरे ये बताएं नोट कितने आएंगे 2018 में? मटेरियल सेक्टर की जितनी भी कामयाबी है ना भाई, उनकी प्लानिंग पर मुश्तमिल है। अगर वो नोटों की प्लानिंग कर रहे हैं तो उम्मीद है नोट आ जाएंगे, और अगर वो प्लानिंग जो है वो रिस्पेक्ट की कर रहे हैं तो रिस्पेक्ट आ जाएगी, अगर वो प्लानिंग फेम की कर रहे हैं तो फेम
आ जाएगी, यानी कि जिस सेक्टर पे मेहनत करेंगे उसका रिवॉर्ड मिलेगा, उसी का रिवॉर्ड मिलेगा। कहने का मतलब ये है, लिब्रा को ये सहूलत हासिल है, ये फैसिलिटी हासिल है कि लिब्रा अपनी मर्जी से अपने टाइम को यूज़ कर सकते हैं। तो वो जिस सिमत में यूज़ करे, लेट मी से, वैसे तो ज़्यादातर मंसूबे, 80% मंसूबे इंसान के मटीरियल अचीवमेंट्स के लिए होते हैं, चाहे वो रुपए पैसे की अचीवमेंट्स हों या अदरवाइज लग्जरीज ऑफ लाइफ हों। 20% उसकी अचीवमेंट या तो उखरवी होती है या कोई नॉन मटेरियल फॉर्म में होती है। तो ज़्यादा अगर कोई गाना सीखता है, अगर कोई एक्टिंग सीखता है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, अगर कोई तालीम हासिल करता है, अगर वो किसी तरह का कोई और जॉब करता है, तो उसकी ज़्यादातर तवज्जो जो होती है वो मटेरियल ही होती है कि भाई इसके बाद मुझे ज़िंदगी में कुछ स्मूदनेस आएगी, रुपया पैसा आएगा या, लेकिन बहुत बहुत कम लोग होते हैं, 20% के करीब ऐसे लोग होते हैं जिनका ताल्लुक उसका कोई बड़ा मिशन हो, कोई अदरवाइज स्पिरिचुअल सेक्टर हो, वेलफेयर हो या आखरत का ध्यान हो, ये फिर थोड़े लोग होते हैं। लिहाजा लिब्रा को जिस तरह का टाइम इस साल अवेलेबल है, क्योंकि वो हर ही तरह की फैसिलिटीज़ अर्न कर रहा है, तो उम्मीद है कि वो अपनी कामयाबियों की भरपूर इब्तदा कर पाएंगे। इब्तदा करने के लिए पहले 4 महीने उनके इम्पॉर्टेंट हैं। ओके ओके, यानी कि बेस बन जाएगी तो फिर आगे जो है ना काम आगे कई साल तक, नॉट ओनली 2018, आगे कई साल तक। अच्छा, जो दौर शुरू हुआ है फहीम भाई, ये दौर 2011 के बाद बहुत ताकतवर दौर शुरू हुआ है। 2011 के बाद तो 7-8 साल बाद शुरू हुआ है और 7-8 साल ही चलेगा। और अगर जिस तरह 7-8 साल में उन्होंने बैड पैच या स्लो दौर होने के बावजूद अपने आप को मनवाया है, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब अच्छा दौर शुरू होगा तो वो कितने कुंदन हो चुके होंगे, कितने खालिस हो चुके होंगे, कितने प्योर एंड परफॉर्मिंग हो चुके होंगे। इस सिचुएशन में वो अपने आप को कैश करने के लिए बिल्कुल रेडी है। क्या बात है जनाब, आप कुंदन बना के छोड़ेंगे इन्हें। ये बताएं कि इनकी प्यार, मोहब्बत, जज्बात, एहसासात, लव लाइफ, इसके बारे में क्या कहते हैं 2018 में? बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, मैं बहुत कायल हूँ लिब्रन इमोशंस के। उन्हें कोई सितारा सपोर्ट करे ना करे, दे आर सो रोमांटिक, दे आर ऑलवेज रोमांटिक डे एंड नाइट, रूज एंड जवाल, उनको कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता जनाब। तो अगर मून कहीं सपोर्ट कर दे तो उनमें उनको कुछ इजाफा मिल जाता है, अदरवाइज कमी तो कभी नहीं आती। सही है जनाब, आगे बढ़ते हैं। दे आर सो क्लोज टू लाइफ, दे आर वेरी क्लोज टू देयर इमोशंस। हर वक्त दूसरे की मदद के लिए तैयार रहना, हर वक्त दूसरे के एहसास में अपने एहसासात को मर्ज कर देना, ये सब उनकी पॉसिबिलिटीज़ में से है। एंड लिब्रा एक ऐसा स्टार है फहीम भाई, जो सभी के साथ अपनी सलाहियतों से ही मर्ज हो जाता है, बजाय इसके कि उसे कोई एफर्ट करना पड़े। बिल्कुल, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा दोस्त भी लिब्रा के होते हैं, और सबसे ज़्यादा दोस्त होने के बावजूद लिब्रा उन सब दोस्तों के मूड पर पूरा उतर जाता है। Thank you.